स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। पिछले क्लास में वॉयस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉयस का संबंध वाक्य के भर्व से होता है। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब पैसिव का जो सब्जेक्ट बनता है उसका नंबर और पर्सन देखते हैं, और एक्टिव के वर्ब के टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या? इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग तथा बीन, बी डबल ई एन, बीन। मेन वर्ब को भी थ्री में बदलते हैं और उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगाते हैं। एजेंट के बारे में हमने आपको बताया कि जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में एजेंट बनता है। यदि एक्टिव का सब्जेक्ट अगर नाउन हो तो एजेंट के रूप में उस नाउन को ही लिखते हैं, लेकिन यदि एक्टिव का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो एजेंट के रूप में उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। जैसे आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, वी है तो अस, ही है तो हिम, सी है तो हर, समझ गए ना बात? तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। चूंकि जो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, इसलिए वॉयस केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बनता है। तब सवाल है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझ गए बात? जैसे हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, जो क्रिकेट आके यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हम खाली कहें ही प्लेज तब इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि ही प्लेज में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव का सब्जेक्ट कहां से होगा? ओके? तो पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस का पैसिव कैसे बनता है इसकी मैंने चर्चा की थी। अब उससे आगे की बात करते हैं, आज से पास्ट टेंस में चलते हैं। तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है? अभी तक तो हम लोग मार्कर से लिख से आए हैं। अब बेटर व्यवस्था करने के लिए ये नया बोर्ड डायरेक्टर बनवाए हैं और चौक से लिखना है, तो चौक से लिखने का हम लोगों का प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ी असुविधा हमको लग रही है। खैर, आप देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है? जैसे हमने कहा ही किल्ड ए टाइगर, ही किल्ड ए टाइगर, ही क्या है? सब्जेक्ट है, किल्ड वी टू है, ए टाइगर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? ये एक्टिव सेंटेंस है।
तो जब पैसिव में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ये टाइगर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है और किल्ड यहां पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का सिंगुलर वर्ब वाज, यस वाज। किल्ड क्या है, वी टू और वी थ्री दोनों है, किल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, ए टाइगर वाज किल्ड बाय हिम, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल पास्ट। अगर यहां ऑब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो सब्जेक्ट होगा प्लुरल, तो वर्ब हो जाएगा प्लुरल वर्ब, समझे ना बात, बाकी सब ठीक है। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव का उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री बाई एजेंट, ठीक है। जैसे सीता वाज राइटिंग ए स्टोरी, सीता क्या है सब्जेक्ट, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग भी फोर है, ये स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसे में ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ये स्टोरी, ये स्टोरी। और फिर ये सिंगुलर है तो वर्ब हो गया वाज। उसके बाद है बीइंग, बीइंग भी थ्री, तो राइटिंग का भी थ्री रिटेन बाय, सीता नाउन है तो उसी को बना दिए एजेंट यहां, ए स्टोरी वाज बीइंग रिटेन बाय सीता, ठीक है। अब चलिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वी थ्री बाय प्लस एजेंट, ठीक है। जैसे सी हैड रिटेन ए लेटर, सी हैड रिटेन ए लेटर, सी क्या है सब्जेक्ट, हैड वी थ्री ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर
उसके बाद गया हैड, उसके बाद बीन, भी थ्री, तो रिटेल भी थ्री है, ये है बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई हर। अब फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं हो बनता है, ठीक है। अब चलिए फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। जैसे I shall help Rahul, I shall help Rahul, ठीक है। तो राहुल क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, जो आके पैसिव में यहां सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा राहुल। अब आई है तो वर्ब शैल लगा है, अब राहुल यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया तो भाग क्या लगेगा, विल, ठीक है, तब हो गया राहुल विल। उसके बाद है बी, बी भी थ्री, तो हेल्प का भी थ्री हेल्प्ड बाई, और आई का हो गया मी, ठीक है, राहुल विल बी हेल्प्ड बाई मी। यह हो गया सिंपल फ्यूचर। अब फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, समय के बाद। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में इसका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। जैसे She will have sent Rahul. She will have sent Rahul. है ना, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट
प्लस सेल विल में विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसे में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राहुल यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये आगे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा राहुल। फिर ये थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा इसके साथ, विल, तब हैव, तब बीन, सेंट भी थ्री है ये है, बाई सी का हो गया हाँ हर। राहुल विल हैव बीन सेंट बाई हर, ठीक है ना। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, यानी आठ गो टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, तीन ठो प्रेजेंट टेंस, तीन ठो पास्ट टेंस और दो ठो फ्यूचर टेंस। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार गो टेंस का पैसिव नहीं बनता है, और तीन वो तीन ये छः और दो ये आठ गो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन किसी किसी किताब में देखिएगा बारहों का बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखकर घबराने की बात नहीं है। और वो जो बनाया है उसको नहीं बनाना चाहिए ग्रामर में, क्योंकि लड़का देखेगा तो उसको लगेगा कि बना दिया है सर पता है नहीं बनता है। तो जो बनाया है उसको देखिएगा बना क्या, तब नीचे नोट लिखे हुआ है कि इसका पैसिव अनकॉमन है, इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन लड़के तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है, यही आठ गो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। समझ गए ना बात, ओके। अब ये तो हो गया टेंस पर, अब इसे आगे चलिए अब सेंस के आधार पर, ठीक है। तो पहला है इसमें कि यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, ऑर्डर आदेश, ऑर्डर का बोध हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है ये, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। ऑर्डर का बोध हो तो पैसिव का पैटर्न होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। जैसे हमने कहा ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ओपन क्या है, वर्ब है, और द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह वाक्य बिना सब्जेक्ट का है। अगर हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो किसे कहते हैं, यू से, जो सामने है उसी से हम कहते हैं, अगर जो नहीं है उससे हम कहेंगे कि दरवाजा खोलो तो सुनेगा कौन, इसलिए यू हमेशा सामने होता है। तो ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट यू होता है, जो छिपा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दरवाजा खोलो ये ऑर्डर का बोध करा रहा है, तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा, तो पहले लिखाएगा लेट, तो लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वही है जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, यानी द डोर। तब बी और ओपन का बी थ्री, ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। यदि ऑर्डर का बोध होगा तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तब बी, अब वर्ब का भी थ्री हो गया ओपन,
ठीक है ना। अब चलिए दूसरा, यदि एक्टिव सेंटेंस से सलाह का बोध हो, सलाह का बोध हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस सूड प्लस बी प्लस बी थ्री, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सूड प्लस बी प्लस बी थ्री, जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प क्या है, वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो फिर यहां सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसी तरह यहां सामने वाले से ही हम बात कहते हैं, यू यहां सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट, तो वही बात है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, यानी द पुअर। उसके बाद सूड, सूड, तब बी और भी थ्री, हेल्प का भी थ्री, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो यदि ऑर्डर का बोध हो तो उसके पैसिव का पैटर्न हो गया लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री, और यदि सलाह का बोध हो तो पैसिव का पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्लस सूड प्लस बी प्लस भी थ्री, जैसे हेल्प द पुअर, तो द पुअर सूड बी हेल्प का भी थ्री हेल्प, ठीक है ना। अब चलिए, यदि एक्टिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो तो रिक्वेस्ट का बोध कब होगा, जब हम प्लीज काइंडली लगा के वाक्य बोलेंगे, नहीं, हमने कहा कि ओपन द डोर, तो ये ऑर्डर हो गया, उसी में अगर हम प्लीज लगा दे प्लीज ओपन द डोर, तब ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि एक्टिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करते हैं कि वाक्य में जो प्लीज काइंडली होता है उसको हटा देते हैं, प्लीज काइंडली जो लगता है उसको हटा देते हैं और वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो प्लीज हमने कहा प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं और बाकी सब जो का जो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तब क्या है, ये रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, मदद किसी से आदेश देके नहीं मांगेंगे, मदद मांगेंगे कृपया कहके, प्लीज कहके, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो हमने कहा कि यदि रिक्वेस्ट का बोध हो तब क्या करेंगे कि प्लीज काइंडली जो लगा होगा वाक्य में उसको हटा देंगे, ठीक है ना, और वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे। तो शुरू कर दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करिए, अब बाकी सब उसी तरह उसमें जोड़ देंगे, टू हेल्प
मी, ठीक है? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. हमने कहा काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया आप निकाला मुझे दीजिए. तो फिर काइंडली को हटा देंगे और वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करके अब बाकी सब जो कहते हो लिख देंगे, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन. समझ लेने बात. यह हो गया कि यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, एडवाइस यानी सलाह का बोध हो या रिक्वेस्ट का बोध हो, तब उसका पैसिव इस पैटर्न पर बनता है. कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं है. अब आगे, यदि एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब पता है ना क्या? हाँ, बिल्कुल सही. Can, could, shall, should, will, would, may, might, must वगैरह, ये मॉडल वर्ब है. एकदम सही बोले हो, ठीक है? तो यदि एक्टिव सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 बाई प्लस एजेंट, ठीक है? जैसे हमने कहा था डॉक्टर should examine him. The doctor should examine him. ठीक है? The doctor क्या है? Subject है. Should क्या है? Modal verb है. Examine क्या है? Verb है. Him ऑब्जेक्ट है. तो हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो तो पैसिव का पैटर्न होता है सब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हिम. तो हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. तो सब्जेक्ट नहीं ना बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा. तो हिम का सब्जेक्टिव केस, यस ही. उसके बाद है मॉडल वर्ब, तो सूड. तब क्या है? बी. तब है V3 तो एग्जामिन का V3 हो गया एग्जामिन. तब बाई एजेंट हो गया द डॉक्टर. ठीक है? ही शुड बी एग्जामिन्ड बाई द डॉक्टर. ठीक है? तो ये हो गया कि यदि एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो तो छूट गया. ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर. तो उसके पैसिव का पैटर्न ये होता है, स्लिप ऑफ पेन हो जाता है कभी कभी. अब आगे चलिए. यदि एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो तो आप दोनों में से किसी को भी पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है? दोनों में से किसी को भी पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जा सकता है. जैसे
रजनी, गेब, मी, ए, लेटर, रजनी, गेब, मी, ए, लेटर, ठीक है। रजनी क्या है इसमें? सब्जेक्ट, गेब वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट, दो ठो ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना बात। जब भी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हो तो बाद वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि दो ऑब्जेक्ट हो तो आप दोनों में से किसी को भी पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे अगर इसको बनाएंगे तब मी का हो जाएगा आई, गेव है यहां पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज, गेव का भीतरी गिवन, क्या चीज, ए लेटर, किसके द्वारा, यस बाय रजनी, आई वाज गिवन ए लेटर बाय रजनी, ठीक है। तो इसको बनाए तो पैसिव ये हो गया, अगर इसको बनाते हैं तब हो जाएगा ए लेटर फिर ये सिंगुलर है तो वर्ब हो गया वाज, गेव का भीतरी हो गया गिवन, मी बाय रजनी, लेटर वाज गिवन मी बाय रजनी। लेकिन इसको बनाना थोड़ा हमको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सेंटेंस ज्यादा सुटेबल तब होगा जब हम कहेंगे लेटर वाज गिवन टू मी बाय रजनी, तब यहां एक प्रीपोजिशन लगाइएगा तब ज्यादा सुंदर थोड़ा वाक्य लगेगा। ऐसे ये भी गलत नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि इसको बनाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, समझ गए। तब आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी बातें अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आशा है आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत होगी तो फिर संपर्क कीजिएगा। ओके देन, थैंक यू।